हाय एवरीवन, मैं अंजली कुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की वीडियो में हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि RSN इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में सिविल इंजीनियरों के लिए जॉब है। सो इस वीडियो में हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे कि इस जॉब को आप कहां से अप्लाई कर सकते हो, इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्त, आप लोगों से एक बहुत बड़ी शिकायत रहती है कि आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हो, लाइक नहीं करते। सो प्लीज़ आज का वीडियो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, ओके। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर के सर्च बॉक्स में जाकर टाइप करना होगा rsnecc.com। सो rsnecc.com टाइप करने के बाद आपको सिंपली सर्च कर देना है। सो आप देख सकते हैं कि आप RSN इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिशियल पेज पर आ चुके हैं। RSN कंपनी के ऑफिशियल पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पे एक कैरियर का ऑप्शन मिलेगा। कैरियर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। कैरियर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है अपॉर्चुनिटीज के जैसे नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जॉब है और यहाँ BE मैकेनिकल के लिए है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिविल डिज़ाइनर, इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पोजीशन सिविल डिज़ाइनर, क्वालिफिकेशन BE सिविल यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 to 6 यानी कि मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और नेक्स्ट लोकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कतर, चेन्नई, दिल्ली, यानी कि कतर भी आप जा सकते हो, चेन्नई भी जा सकते हो और दिल्ली भी जा सकते हो, ठीक है। और स्किल सॉफ्टवेयर की बात करें यानी कि आपको सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज होनी चाहिए, ऑटोकैड स्टार्ट प्रो, जो कि बैचलर सिविल इंजीनियरों के लिए हम बेसिक सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, कि ऑटोकैड स्टार्ट प्रो की नॉलेज बीटेक स्टूडेंटों को जरूर से जरूर होती है, ठीक है, क्योंकि उनको ये चीज़ सिखाया जाता है कॉलेज में ही, ओके। सो नेक्स्ट जॉब की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिविल इंजीनियर, इस पर क्लिक करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि पोजीशन सिविल इंजीनियर, क्वालिफिकेशन BE सिविल यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें 3 to 7 यानी कि मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। लोकेशन की बात करें तो सेम लोकेशन है कतर, चेन्नई, दिल्ली, यानी कि कतर, चेन्नई और दिल्ली कहीं भी आपको जॉब मिल सकती है। स्किल सॉफ्टवेयर यानी कि आपके पास सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज होनी चाहिए, ऑटोकैड, RCC, फाउंडेशन, स्टील स्ट्रक्चर, ड्राफ्टिंग जैसे सॉफ्टवेयर की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और अप्लाई की बात करें तो आप यहां से जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पे अप्लाई का एक फॉर्म आया, इस फॉर्म को फिलअप करके अपना डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हो। सो इस तरह से आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहां पे एक प्लानिंग इंजीनियर की भी जॉब है, ठीक है, इंजीनियर प्लानिंग, जो कि सिविल इंजीनियरों के ही लिए है, ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 4-5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस जॉब को पाने के लिए सिंपली आपको प्लानिंग इंजीनियर में 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपका प्लानिंग इंजीनियरिंग में 4 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अप्लाई का ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से जाके ये फॉर्म फिलअप करके अपना रिज्यूम आप सबमिट कर सकते हो। यहाँ से सेंड का ऑप्शन दिया है, आप सेंड कर देंगे, कंपनी में डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्त, सबसे बड़ा बेनिफिट इस कंपनी में जॉब करने का ये है कि ये कंपनी इंटरनेशनल वर्क भी करती है। अगर आप इस कंपनी में जॉब कर लेते हो तो आपको फॉरेन जाने का भी मौका मिल सकता है, फॉरेन जाने के बाद जहाँ आपकी सैलरी कई गुना तक बढ़ सकती है, ठीक है, जैसे कतर, दुबई, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में भी इस कंपनी का वर्क चलता है और वहाँ पर भी ये इंडियन इंजीनियरिंग स्टाफ भेजती है, ठीक है। ओके माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।